हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं इस लेक्चर में सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो पहला हमारा, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो उत्तर में है जीवाश्मों की। ठीक है, अगला हमारा, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखिए यह एकृत। अगला है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो यह दिल्ली या स्प्लीन। अगला है हमारा, हरे पौधों में विकास संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिए यह क्वांटोसोम। अगला है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिए शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला है हमारा, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ प्रकोष्ठ होते हैं? तो याद रखिए दो। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो याद रखिए किडनी। अगला है हमारा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो याद रखिए न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला है हमारा, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जा गया था? तो याद रखिए रेडियम। अगला है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो याद रखिए उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखिए सेल्यूलोज। अगला है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो याद रखिए क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। अगला है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिए जीरोन्टोलॉजी। अगला है हमारा, डोलोमाइट किसका है? इसका है तो याद रखिए कैल्शियम का। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिए विटामिन सी। अगला हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिए ऑडियोमीटर। अगला है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए जीवाणु द्वारा। अगला है हमारा, श्वेत विकास के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी। अगला है, रेफ्रिजरेटर में पिसीतक क्या होता है? तो याद रखिए फियोन। अगला है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो याद रखिए लैक्टोबैसिलस। अगला है, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो याद रखिए किडनी। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो याद रखिए प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। अगला है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो याद रखिए रेखीय संवेग के संरक्षण। अगला है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखिए हरगोविंद खुराना। अगला है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल ला होने का क्या कारण है? तो याद रखिए वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल उनके पलायन वेग से अधिक। अगला हमारा, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो याद रखिए क्लोरेला। अगला है हमारा, प्रकृति रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिए आइसोप्रीन का। अगला हमारा, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो याद रखिए प्लाज्मा। अगला हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो याद रखिए तप्त आर अमीटर, तप्त तार मीटर से। अगला हमारा, विकास तरंगों को किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो याद रखिए ध्रुवण। अगला, एक वृत्ताकार वलय का गुरु केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखिए वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला हमारा, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो याद रखिए 7.4। अगला हमारा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो याद रखिए कार्बन। अगला हमारा, गह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए कोपलर।
अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिए नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए रदरफोर्ड ने। अगला हमारा कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो याद रखिए पानी। अगला हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो याद रखिए हीरे के भार का मात्रक। अगला है हमारा गैल्वेनिकित लोहे का, लोहे पर किसका लेख होता है, तो याद रखिए जिंक का। अगला है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखिए सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला है हमारा 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, सीवी रमन का। अगला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो याद रखिए गलगंड। अगला है विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला है हरे पौधे में विकास संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखिए क्वांटासोम। अगला है हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, तो याद रखिए 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए फोटोमीटर। अगला हमारा रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है, तो Pb3O4। अगला है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलन में। अगला है हमारा डार्क एवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला है हमारा फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए शैवाल का। अगला है हमारा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिए विटामिन B12। अगला है मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो याद रखिए मस्तिष्क। अगला है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, तो याद रखिए हेपेरिन की उपस्थिति। अगला है हमारा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया होता है, तो याद रखिए कन्वेक्शन द्वारा। अगला है वैद्यों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए गैरियाटिक्स। अगला है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो याद रखिए ग्लूकोज। अगला है हमारा HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, तो एड्स। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो याद रखिए पिट्यूटरी। अगला हमारा एंजाइम मूलतः क्या है, तो याद रखिए प्रोटीन। अगला हमारा पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो याद रखिए यकृत में, लीवर में। अगला हमारा कृष्ण छिद सिद्धांत को प्रतिवादित किया था, तो याद रखिए एस चंद्रशेखर ने। अगला हमारा साइनोकोआलमीन क्या है, तो याद रखिए विटामिन B12। अगला हमारा टेट्रा डोथाइलेड फेटोल में क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिए यह एंटी नोकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो अगला हमारा हीरा, हीरे की चमक होती है, तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला हमारा अपेक्षित आद्रता नापी जाती है, तो यह हाइग्रोमीटर से। अगला है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिए वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो याद रखिए जॉन साल्क ने। अगला है गोबर गैस का मुख्य संघटक है मेथेन। अगला है हमारा हरे पौधों में विकास संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखिए क्वांटोसोम। अगला है न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए त्वरण का। अगला हमारा गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी के कारण। अगला है वायरोलॉजी किसका अध्ययन करती है, तो याद रखिए विषाणु का, वायरस का। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो स्कर्वी अम्ल एसिड है।
याद रखिए अंगला हमारा सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब होता है तो 80 मिमी बारिश के। अंगला श्वेत प्रकाश के पिगमेंट द्वारा बने बर्ड क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो याद रखिए बैगनी रंग का। अंगला हमारा केलोमल क्या है तो याद रखिए मर्क्यूरस क्लोराइड। अंगला सिंदूर का रासायनिक नाम होता है तो मर्क्यूरिक सल्फ्राइड। अंगला झूठा सोना कहलाता है तो याद रखिए प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फ्राइड अथवा आयरन फायराइट्स। अंगला पिंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो याद रखिए ट्रिप्सिन एंजाइम। अंगला आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने को में उत्प्रेरक होता है तो याद रखिए पेप्सिन एंजाइम। अगला हमारा एस्ट्रो डी क्या है तो याद रखिए ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स रे उपग्रह। अगला हमारा ध्रुव तारा आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है तो याद रखिए ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला है मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है तो याद रखिए 72 बार। अगला हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं तो याद रखिए रक्तदाब ब्लड प्रेशर। अगला है 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी तो याद रखिए रक्त समूह की। अगला हमारा समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है तो याद रखिए जल के कणों द्वारा विकास के विकिरण के कारण। अगला प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है तो याद रखिए नाइट्रोजन। अगला हमारा इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो याद रखिए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर उनके सामान्य वातावरण में। अगला हमारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी तो वह कौन है तो याद रखिए मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान में। अगला बात करते हैं पानी में सुई को डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है तो याद रखिए जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है इसलिए वह पिल वन कहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अब बात करते हैं अगला है भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है तो याद रखिए इनसेट 2A। अगला हमारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है तो याद रखिए विटामिन डी का। अगला हमारा हेली पुच्छल तारा अतिथि कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है तो याद रखिए 76 वर्ष बाद। अगला है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है तो याद रखिए यह पराशब्द तरंगों की सहायता से। अगला हमारा HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है तो याद रखिए एड्स। अगला हमारा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो याद रखिए विटामिन के। अगला है एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो याद रखिए आवेश की मात्रा का। अगला है लाइफिंग गैस है तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है वाह चुम्बकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो याद रखिए लोहे कवर में रखकर। अगला है हमारा परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है तो याद रखिए न्यूक्लियर संलयन। अगला है हमारा जी कैटों पर किस प्रकार का आवेश होता है तो याद रखिए किसी प्रकार का नहीं। अगला हमारा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो याद रखिए जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला है हमारा शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है तो याद रखिए किडनी के माध्यम से। अगला हमारा हेटरोफाइट किसे कहते हैं तो याद रखिए जलीय पौधों को। अगला हमारा दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं तो याद रखिए अनंत। अगला है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनता है तो याद रखिए दूसरा। अगला हमारा तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है तो याद रखिए तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। अगला हमारा पेंसिल का लेड होता है तो याद रखिए ग्रेफाइट का। अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है तो याद रखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
अगला हमारा लोलक घड़ियां गर्मियों से में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो याद रखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्त काल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगली बात करते हैं, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला है, पीतल मिश्र धातु है, तो याद रखिए जस्ता और तांबा की। अगला हमारा, गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए मैनोमीटर। अगला है हमारा, वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डोम्बे में किस स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो याद रखिए ध्रुव। अगला है हमारा, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो याद रखिए छोटे पेप्टाइड्स में। अगला है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो याद रखिए माइक्रोस्पोर्म। अगला है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो याद रखिए विटामिन सी। अगला है हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखिए ओस्मियम। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो याद रखिए चांदी। अगला हमारा, पोटेशियम का एस कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो याद रखिए KCl MgCl2 6H2O। अगला हमारा, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंतता क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए सीसा। अगला हमारा, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिए डेसिबल। अगला हमारा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो याद रखिए क्रोमियम लोहा निकेल। अगला हमारा, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है? तो याद रखिए फाइकोलॉजी। अगला है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाई। अगला है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो याद रखिए शुगर की, शर्करा की। अगला है हमारा, स्वचालित बैग किस नियम के आधार पर बने हैं? तो याद रखिए पार्कल के नियम के आधार। अगला हमारा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिए कॉर्नबर्ग ने। अगला है, फोटोग्राफी में व्यक्त होने वाला हाइप्रो का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, भारत गैस भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रेसा हुआ था, इस गैस का पूरा नाम है? याद रखिए मेथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। अगला है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिए ट्रिटिकम एस्टिकम ट्रिटिकम वल्गेयर। अगला है हमारा, ऑक्सीनोमीटर से क्या नापते हैं? तो याद रखिए पौधों की रेखीय वृद्धि दर। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए ताप बढ़ जाता है। अगला हमारा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। अगला है, मनुष्य की स्थिरता की सीमा होती है? तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? तो याद रखिए FeSO4 7H2O। अगला है हमारा, कैलोमेल का रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला है हमारा, हीरे की चमक का कारण है? तो याद रखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो याद रखिए न्यूटन प्रति कूलाम। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरोन। भारी जल क्या है? तो याद रखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अगला हमारा, टिकोना रोग के संग से संबंधित है रोग है? तो याद रखिए आंख से। अगला है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के जिम्मेदार है? तो याद रखिए पीलिया। अगला हमारा, एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो याद रखिए नाड़ी संस्थान से। अगला है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो याद रखिए AB तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से। अगला हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो याद रखिए एडवर्ड जेनर ने। अगला हमारा, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो याद रखिए आयरन और कॉपर। अगला हमारा, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो याद रखिए मूंगफली में दानों का प्रतिशत।
अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो याद रखिए हॉट बोल गियर। अगला हमारा, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए सानेंड। अगला हमारा, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो याद रखिए ढलवा लोहे का। अगला हमारा, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिए लगभग 90 कैलोरी। अगला है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो याद रखिए हीमोग्लोबिन। अगला है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो याद रखिए आमाशय। अगला है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए डार्विन ने। अगला है हमारा, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो याद रखिए मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में। अगला है हमारा, TTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिए टिटनेस, डिप्थीरिया और ह्यूपिंग का। चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन।